गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम हमारा वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का नंबर वन का क्वेश्चन है, काउंट द नंबर एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। मतलब देखो, यहाँ पे जो नंबर है, नंबर हम काउंट करेंगे और कहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू सिंबल आएगा बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे। तो ये है 9999 9999, दोनों तरफ 9999 है, तो नंबर सेम है, तो सेम नंबर होने से क्या हमारा इक्वल टू होता है, तो बॉक्स के अंदर इक्वल टू लिखना है। ऐसे ही आपको बॉक्स के अंदर इक्वल टू लिखना है। नीचे 8686, ये है 6868 86 60। देखो यहाँ पे पहले 8 है, यहाँ पे पहले 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 86 68 से बड़ा है, तो यहाँ यहाँ बॉक्स के में हम ग्रेटर देन सिंबल देंगे। ऐसे आपको भी ग्रेटर देन देना है। इस तरफ 7979 9090, ये 79 है, ये 9090 है, तो 79 से 90 बड़ा है, तो बॉक्स में हम लेस देन सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे 6464 1212, ये 64 है, ये 12 है, 64 से 12 छोटा नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन सिंबल देंगे। 21 है, ये 1 to 12 है, 21 से 12 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन सिंबल देंगे। तो हमारा नंबर वन का हो गया। अभी नंबर टू का क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम। यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये क्या है, 5050 50 कैसे होता है, FIFTY 50 होता है, 5050। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, पहले FIFTY 50 50, उसके बाद है 8080, जैसे EIGHT 8 होता है, EIGHTY होने से 80 8080। पहले लिखेंगे हम EIGHTY 8080। यहाँ पे क्या 7575 है, 70 लिखेंगे, फिर FIV 5 होने से 75 होता है। 70 का स्पेलिंग कैसे होता है, SEVENTY होने से क्या 7070 हुआ, यहाँ पे 5 है 75 है, फिर यहाँ लिखेंगे हम FIV 5, FIV 5 7575 1919 का है NINETEEN 1919 के बाद 9999 है, पहले 90 का स्पेलिंग, फिर NINE 9 होने से 99 NINETY 90 होगा, NINETY होने से 9090 होता है, यहाँ पे 9999 है, 90 के बाद लिखेंगे हम 9 NINE 9999 9999। तो बच्चों ऐसे आपको हमारा मैथ का क्वेश्चन आंसर करना है।